हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा लोधा से शीलफाटा हाईवे तक का जर्नी है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। गाइस, इस वक्त हम हैं लोधा में और हम लोधा से निकल के हम शीलफाटा रोड की तरफ जा रहे हैं। लगभग ये लोधा की एंडिंग है और आते टाइम मैं आपको यहाँ से पहले हम शीलफाटा रोड देखने वाले हैं आज, आते टाइम फिर थोड़ा लोधा एक एरिया देखते हुए जाएंगे और आने वाले व्लॉग में लोधा का एरिया मैं वापस आपको एक बार दिखा दूँगा। ये काफ़ी पॉश एरिया है लोधा की, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस है और पालावा सिटी है, लोधा पालावा सिटी जो अंदर खास कॉम्प्लेक्सेस की एरिया है। तो अभी हम शीलफाटा रोड की तरफ निकल चुके हैं, लोधा एरिया लगभग पीछे ख़त्म हो गया है और आज का जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये शीलफाट ये दो एक तरफ से कल्याण शीलफाटा रोड, पीछे डोंबिवली कल्याण आता है और यहाँ से सीधा शीलफाटा आता है। शीलफाटा एक वो हाईवे का चौक है जहाँ यहाँ से अगर हम चौक से राइट लेंगे तो मुम्बरा कलवा और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो पनवेल साइड जाएगा रास्ता और सीधा जाएंगे तो न्यू मुंबई के कुछ रास्ते निकलते हैं और पीछे डोंबिवली कल्याण। एक मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था जो भिवंडी बाईपास वाला हाईवे था जहाँ से हम थाने गए थे, यहाँ से भी हम थाने जा सकते हैं कलवा क्रॉस करके, लेकिन यहाँ से थोड़ा लॉन्ग कट है, बीच में ट्रैफिक मिल गया तो लॉन्ग कट रहता है, वहाँ से थोड़ा इजी होता है कल्याण से अगर जाएंगे तो। अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हो तो ठीक है, यहाँ से न्यू मुंबई नज़दीक, यहाँ से न्यू मुंबई के कुछ रास्ते निकलते हैं और वहाँ से मुंबई वेस्टर्न के कुछ थाने से निकलते हैं घोड़बंदर रोड वगैरह से, तो ये काफ़ी मज़ेदार एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी वाला एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया है और आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ये जैसे ही चौक आता है यहाँ पे लेफ़्ट में रेस्टोरेंट्स वगैरह है, चौक पे सब कुछ है और कुछ जूनी बिल्डिंग्स भी दिख रही है यहाँ से और सामने कुछ एक छोटा हिल दिख रहा है, ये उसके हिल के ऊपर एक मंदिर भी मैंने देखा था, कभी देखेंगे वहाँ पे भी। फ़िलहाल तो मैं आपको जो रोड दिखाने वाला हूँ यहाँ से हम पूरा सीधा जाके आज थोड़ा सा न्यू मुंबई के जो रोड जाते हैं मैं वहाँ तक जाने वाला हूँ, आपको पूरा दिखाऊँगा क्योंकि काफ़ी वो अभी जो हम रास्ता जाएंगे वो एक छोटे मोटे पहाड़ों के बीच में से ही जो रास्ता गुजरता है हम वहाँ से ही जाने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है आज। यहाँ से लेफ़्ट पनवेल जाता है सीधा, पनवेल मुंबई पुणे हाईवे वहाँ से जाता है, अभी वो मुंबई पुणे मतलब एक पुणे जाता है और एक नवी मुंबई के कुछ जाते हैं रूट्स गोवा, और ये सीधा जो हम जा रहे हैं ये न्यू मुंबई की तरफ हम बढ़ चुके हैं, न्यू मुंबई की तरफ मतलब वाशी और एरोली कोपरखेड़ने ऐसे काफ़ी एरियाज़ है न्यू मुंबई में। देखिए कितना मस्त रास्ता है, चारों तरफ पेड़ पेड़ ही पेड़ है, टोटली हरा भरा एरिया है और यहाँ पे है 5 मिनट का रास्ता है, उसके बाद फिर हम हाईवे से वापस जुड़ जाएंगे, हम लेफ़्ट लेंगे तो नवी मुंबई के है, राइट का अभी मुझे राइट का शायद थाने जाता रहेगा लेकिन फिर भी आगे का राइट मुझे पता नहीं है। देखिए काफ़ी यहाँ का जो रास्ता है इसको मक्खन जैसे रास्ते बोल सकते हैं, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है और कुछ खास यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है, काफ़ी मज़ा आता है। हाँ थोड़ी गाड़ियाँ फास्ट ज़रूर चलती है यहाँ पे और यहाँ पे आसपास में कोई शॉप नहीं कुछ नहीं, लेफ़्ट साइड में एक छोटा हिली एरिया है और यहाँ पे आगे अभी यहाँ से थोड़ा सा चढ़न हम चढ़ रहे हैं और फिर आगे स्लोप ही स्लोप है, तो ये रास्ता मैं आपको पूरा दिखाऊँगा और ये रास्ता पूरा देखेंगे फिर हम एक लेफ़्ट ले लेंगे फिर आते टाइम लोधा घूमते हुए आएंगे। देखिए ये मुझे यकीन है कि आपको पसंद ज़रूर आएगा।
मैंने ये रास्ते पहले भी देखे, मेरा एकदम फेवरेट में फेवरेट नंबर वन फेवरेट रास्ता है ये, जो वाशी के जो तरफ रास्ते जाते हैं, क्योंकि ये पूरा टोटली हरा भरा एरिया है। अभी यहाँ से मैं कोई गाड़ी की स्पीड नहीं दे रहा हूँ, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है और पूरा स्लोप ही स्लोप है आगे, और काफ़ी यहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखेंगे अभी आपको। लेफ्ट साइड में मुझे लगता है कोई एक टकरी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, देखेंगे उसको भी कभी। और थोड़ा सूना एरिया है, यहाँ पे कोई कुछ खाने पीने की चीज़ दुकान, लेकिन है 5 मिनट का ही रास्ता है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। देखिए कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, और यहाँ पे हवा भी अच्छी खासी आ रही है, खुला एरिया है पूरा। और बस अभी हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ से, फिर वहाँ पे है छोटी मोटी रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे झाड़ भी काफ़ी, जो पेड़ है यहाँ के काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये जंगली पेड़ भी होते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, और पता नहीं कौन से पेड़ होते, कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह के तो नहीं है, ऐसे ही है सब। और यहाँ पे हम एंड बस ये रास्ता ख़त्म हो गया है, यहाँ पे एक बॉर्डर भी बनाया है एक, और यहाँ पे छोटी मोटी यहाँ पे गैरेजेस है, किसी का टायर वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे चेक करा सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट लेफ्ट साइड, सीधा अगर जाएंगे जहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है, फिर कुछ ब्रिज वगैरह क्रॉस करके, फिर राइट साइड में एरोली कोपर खेड़ने ये सब चीज़ें आती हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से राइट लेते तो शायद वाशी का रास्ता निकलता है, फिर भी कंफर्म नहीं है मुझे, वहाँ पीछे से राइट में क्या निकलता है वो किसी से पूछना ही पड़ेगा, कभी वाशी वगैरह भी जाके आएंगे। यहाँ पे हाँ लेफ्ट साइड में थोड़ी जूस शरबत वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है, कचरे वगैरह पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रेसिडेंशियल एरिया है नहीं, यहाँ पे आने जाने वाले ही जो है थोड़ा बहुत ये थोड़ा गार्बेज फेंकते रहेंगे, तो ये भी रास्ता काफ़ी अच्छा है, खुला एरिया है, तो थोड़ा बहुत मैं जहाँ तक जा पाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं, और थोड़ा मैंने जैसे आपको बोला लोधा एरिया मैं आपको जाते हुए दिखा दूंगा, तो देखिए लोधा एरिया ही है ये, और यहाँ पे कुछ ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिजेस का काम तो हर जगह कुछ ना कुछ, कहाँ पे रास्ते बनते हैं, कहाँ पे ब्रिजेस बन रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम चालू ही है हर जगह, अच्छा ही है, क्योंकि फ्यूचर में ये ट्रैफिक से बचने के लिए रास्ते कुछ ना कुछ निकल ही रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट साइड में पूरा लोधा के कॉम्प्लेक्सेस है, एकदम हाईफाई एरिया है ये काफ़ी, और यहाँ से हमें 2 ब्रिज क्रॉस करनी होगी वापस रिटर्न जाने के लिए। यहाँ पे एक्सपेरिया, यहाँ पे ये एरिया में है पीछे अगर हम जाएंगे राइट साइड में एरिया है, और ये सब कॉम्प्लेक्सेस एरिया है, अंदर जाके देखना पड़ेगा एक बार सब एरिया। यहाँ पे अच्छे खासी स्कूल भी है कुछ, लोधा वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पनवेल वाले व्लॉग में दिखाया था। आगे से एक राइट रास्ता जाता है जो अम्बरनाथ बदलापुर की तरफ जाता है, वहाँ से अगर हम राइट लेके फिर लेफ़्ट लेंगे तो लोधा का एरिया ही बैक साइड का कुछ बिल्डिंग्स दिखाई देती है, वहाँ से वहाँ पे है वो इंटरनेशनल स्कूल करके, तो ये ब्रिज भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे हेलमेट वगैरह ज़रूरी रहता है क्योंकि ये मेन हाईवे ही है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है लगभग, और आज हमने शीलपाटा रोड भी देख लिया और लोधा का एरिया भी जाते हुए हमने देख लिया है, तो आज का अच्छा खासा हमारा घूमना हो गया है। और यहाँ से कल्याण तक लगता है कुछ 1.25 घंटा 1 घंटा लगता है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, अच्छी 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 रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे काफ़ी, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बैंक्स वगैरह का ATM वगैरह भी है, और लगभग सब चीज़ें है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कबूतर कबूतर भी थे यहाँ पे, कबूतर तो आजकल जगह जगह पे दिखते हैं, जहाँ पे बस दाने डालो नहीं कि कबूतर आ जाते,
कबूतर खाने काफ़ी जगह पे है, ऐसे हो गए। पहले ऐसे था कि दादर में कबूतर खाना देखा था, लेकिन आजकल तो हर जगह कबूतर खाना दिख रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी अवेलेबल हैं, तो मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।